तो मैं नीरज और वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यहाँ पे जो है अपने गार्डन से जो है फ्रूट यहाँ पे हार्वेस्ट करने वाले हैं, और फ्रूट हार्वेस्ट करने में यहाँ पे काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आप जो है वीडियो में अंत तक जोर से बने रहिए, और आपको जो है कि हार्वेस्टिंग देने में काफ़ी अच्छा लगेगा। जिससे कि मैं चाहूँगा कि आप, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जो है कोशिश कीजिए कि फ्रूटिंग प्लांट्स है जो आप अपने टेरेस में इस तरह से लगाएं, ताकि आपको जो है इस तरह से आपको जो है फ्रूटिंग करने में काफ़ी हार्वेस्ट करने में जो है अच्छा लगे। क्योंकि मुझे फ्रूट्स देखिए यहाँ पे हार्वेस्ट करने में काफ़ी अच्छे से लगता है और मज़ा भी खूब से आता है, चाहे वो फ्रूट चाहे एक लगाओ या दो लगे हों। तो देखिए चलो, अनार है, और अनार को हम यहाँ पर हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका जो साइज़ अभी और यहाँ पर बड़ा होगा और कलर भी इसमें पूरा अच्छी तरीके से नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मौसमी के प्लांट से, जिसमें आप देख सकते हैं कि मौसमी काफ़ी सारी मेरे यहाँ पे लगी है। तो मौसमी अगर आपको मैं दिखा दूँ तो देखिए, एक, दो, दो चार, दो छः, छः और दो आठ, आठ और दो दस। तो देखिए छोटे से प्लांट में मेरा पूरा आप देख सकते हैं 10 मौसमी यहाँ पे लगी है, और इसकी जो हाइट है सिर्फ आप देख सकते हैं जो कि 3 से 4 फुट की इसमें होगी सिर्फ, और छोटे से पॉट में मेरी यहाँ लगी है ग्रो बैग में, और इसके काफ़ी से 10 फ्रूट यहाँ पे पकड़े हैं। और अभी आप देखेंगे तो इसमें जो है फिर से जो है फ्लावरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो चलिए यहाँ पे जो है फ्रूट्स पहले यहाँ पे हार्वेस्ट कर लेते हैं, ताकि इसमें जो आज अब इसका जो सीज़न है जनवरी में, फिर यहाँ पे जो है मैं कहूँगी जो फ्रूट्स इसमें अच्छे से लगेंगे, इसलिए इनको हार्वेस्ट करना यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है। और ये जो मेरे फ्रूट है देखेंगे इनका कलर भी यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो गया, तो चलिए इनको यहाँ पे हार्वेस्ट यहाँ पे हम सारे को कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मौसमी का प्लांट आप अगर नहीं लगाया है तो आपने ज़रूर से लगा लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो मौसमी थी ये हमने हार्वेस्ट कर ली है, काफ़ी प्यारी यहाँ पे बनी है। देखिए कितनी सारी जो है इनका कलर है येलो कलर का, जो कि आपके बिल्कुल देखने में लग रहा है कि नींबू यहाँ पे हमने हार्वेस्ट किए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मौसमी है, और यहाँ पे जो है कलर यहाँ पे येलो होना स्टार्ट हो गया था, तो ये जो है सारे हमने हार्वेस्ट यहाँ पे कर चुके हैं। और देखिए तो है चाइना ऑरेंज, इनको तो जो हम यहाँ पे हार्वेस्ट करते ही रहते हैं जितने बार भी हम यहाँ पे आते हैं। तो देखिए जो छोटे छोटे फ्रूट्स हैं इनको तोड़ के जो हम यहाँ पे खाते रहते हैं, खाने में काफ़ी अच्छे टेस्ट लगते हैं। तो आप इनको अगर नमक के साथ खाएंगे तो काफ़ी स्वाद आपको इसमें खाने में आएगा। तो चलिए इसको जो हम यहाँ तो हार्वेस्ट करते रहते हैं, तो इसमें जो बाकी फ्रूट है वो अभी ग्रीन कलर के हैं, छोटे हैं, तो उनको अभी हम छोड़ देते हैं। और देखिए इस तरह से जो हम यहाँ पे हार्वेस्ट करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा किन्नू, तो किन्नू में भी देख सकते हैं जो एक फ्रूट मेरा अभी बिग साइज़ यहाँ पे हुआ है, तो इसी को हम यहाँ पे हार्वेस्ट कर लेंगे। और बाकी जो फ्रूट्स हैं वो अभी छोटे हैं तो उनको हम यहाँ पे छोड़ देंगे, तो एक ही जो है यहाँ पे हार्वेस्ट हम कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से जो फ्रूट्स आपके रेडी होते हैं तो आपको हार्वेस्ट कर लेने चाहिए, ताकि इसमें कहूँगा कि जो एनर्जी है उसकी, तो न्यूट्रिशन है जो वो बाकी की जो फ्रूट्स हैं इस तरह से काफ़ी जो छोटे रहते हैं उनमें जो है डिवाइड हो सके। तो इसलिए आपको जो है एक फ्रूट या दो फ्रूट जो है रेडी होते ही आपको हार्वेस्ट कर लेने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो हमने फ्रूट हार्वेस्ट किए, तो देखिए इस तरह से जो है हमने अभी कोई टोकरी वगैरह हमारे पास नहीं थी, तो इस तरह से हम हाथ में और जेबों में भर के इस तरह से फ्रूट्स को हम लेके आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि कुछ टेरेस पे मेरे इस तरह से सफाई का काम भी यहाँ पे चल रहा है। तो जैसे यहाँ पे जो हमने गुड़ाई का काम यहाँ पे शुरू किया हुआ, देखिए विंटर्स में देखिए आपको जो है गुड़ाई यहाँ पे जरूर से एक बार दो दोबारा आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि विंटर्स में कहूँगा आप गुड़ाई ले लेंगे तो जो आपके जो प्लांट है वो यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ करेंगे, जो है मरेंगे नहीं। क्योंकि देखिए ज़्यादातर मरने का कारण विंटर्स में यही रहता है कि आप जो है गुड़ाई वगैरह नहीं करते हैं, जो मिट्टी है वो उसका पता नहीं चलता कि वो सूखी है या गीली। तो आपको जरूर इस तरह से जो है गुड़ाई कर लेनी चाहिए, ताकि इसमें जो है एयर यहाँ पे सर्कुलेशन बना रहे, और इस तरह से देखिए जो आपके प्लांट है वो ख़राब नहीं होंगे। तो आपको जो इस तरह से गुड़ाई एक एक या दो दो कर लेनी चाहिए। और देखिए जो नेक्स्ट फ्रूट यहाँ पे हार्वेस्ट हम करने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पे नींबू, तो नींबू को यहाँ पे हार्वेस्ट करेंगे। बाकी मेरे जो नींबू है वहाँ पे ग्रीन है, तो देखिए इसको डोरमेंसी के पेड़ यहाँ पे है, तो कोई बात नहीं, इसके जो नींबू है तो इसलिए यहाँ पे जो इनका साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पे जो इनका जो एक या दो फ्रूट का जो साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ है उसी को यहाँ पे हार्वेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मेरा ये है कागजी लेमन, तो देखिए इसका जो फ्रूट है पूरा यहाँ पे रेडी है, पक्के येलो कलर का हो चुका है, तो उसको भी हम यहाँ पे हार्वेस्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आप हार्वेस्ट कर लेंगे तो जो प्लांट है वो आपका, मैं कहूँगा थोड़ा उसको यहाँ पे आराम मिल जाएगा, और आराम मिलने का मतलब है कि उसका जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ पे थोड़ी सी उसमें सेव वो कर पाएगा सर्वाइव करने के लिए। तो इसलिए ऐसे करने से क्या है कि उसका सर्वाइवल रेट जो है आपके प्लांट का वो यहाँ पे बढ़ जाता है। तो आपको देखिए इस तरह से फ्रूट ज़्यादा जो है लंबे समय तक होल्ड यहाँ पर नहीं कर लेना चाहिए, उसको जो है समय पर रहते जो है अपने फ्रूट यहाँ पर हार्वेस्ट कर लें। और देखिए जो नेक्स्ट फ्रूटिंग प्लांट है ये देख सकते हैं मेरा ग्रीन एप्पल बेर, तो यहाँ पे देखिए इस पे जो फ्रूट का साइज़ है वो यहाँ पे अभी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, इसका जो और भी साइज़ है यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। तो देखिए इसकी जो मैंने केयर यहाँ पे कम करी थी, और केयर कम भी कर पाया, और इसके जो मैं कहूँगा जो फ्लावरिंग यहाँ पे हुई थी तो जो है मेरी चींटियों के कारण यहाँ पे वो ज़्यादातर ख़राब हो चुकी है। तो देखिए कोई बात नहीं, इसमें जो जितने भी फ्रूट यहाँ पे सेट हुए हैं तो देखिए इनका जो फ्रूट का साइज़ है वो काफ़ी यहाँ पे अभी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इनको जो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अगर आपको जो देखिए ये फ्रूटिंग प्लांट काफ़ी प्यारा फ्रूटिंग प्लांट है, ये आपको जोर से लगा लेना चाहिए अपनी छत में, तो इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो बाद में हम करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी जो आज की जो वीडियो है, ब्लॉग है, वो आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियोज़ है, गार्डन से रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन है, टॉपिक्स हैं, वो आपके लिए लेके आता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।